अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का एक और मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आप देख सकते हैं अब आज फिर हम जा रहे हैं मनाली की ओर। तो आइए थोड़ा पुल इतना हिल रहा है गाइस, सच में इतना हिल रहा है ये जाएगा थोड़ी देर में। तो चलिए अब हम निकलते हैं मनाली की ओर क्योंकि मौसम भी हो रहा है खराब और हमें आगे जाना है। अभी बताऊंगा तो नहीं पर आगे लोकेशन भी इंतजार करना, आप सब लोग वहां पहुंचेंगे तो आपको बढ़िया सा। पनवेल भी जाना है सुबह यार राजू जल्दी करना, अभी पनवेल भी निकलना है। तो आप ये देख सकते हैं मौसम अभी बिल्कुल साफ हो चुका है। अब जा रहे हैं हम वशिष्ठ की ओर। तो अब आपको हम बता ही देते हैं हम जा रहे हैं वशिष्ठ में वशिष्ठ की ओर। तो लेट्स गो गाइस। तो यहाँ पे लग चुकी है चेयर रेस, आप देख सकते हैं तो हम पहुंच चुके हैं वशिष्ठ मंदिर में और यहाँ आप देख सकते हैं ये लगा हुआ था और ये आप खूबसूरत मंदिर देख सकते हैं यहाँ पर। कहाँ उतारने पड़ेंगे शूज, यहाँ आगे है शूज के लिए। तो ये पानी भी बहुत गर्म है यहाँ पर मणिकरण की तरह गर्म पानी आया हुआ है। ओह तो बताइए जनाब कहाँ पे है हम। तो ये है यहाँ से शुरू है मंदिर का कैंपस और ये मंदिर वगैरह बनाए हुए हैं यहाँ पर और ये बाकी आप सामने देख सकते हैं आप। तो ये बनाया हुआ है यहाँ पर नहाने के लिए गर्म पानी का, पर यहाँ पर बूढ़ रहे हैं कि पानी बहुत ही गर्म है और अंदर नहीं जा पाएगा। तो अब हम देखते हैं हम नहाएँगे नहीं नहाए थोड़ी देर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ नहाने के लिए और हम तो नहीं नहा रहे हैं क्योंकि हमने अभी बाइक पे वापस भी जाना है तो बाढ़ लग जाएगी हमारी कुल्लू तक ठंड के मारे। तो अभी हम आपको यहाँ का कैंपस वैंपस दिखाएंगे पूरा और मंदिर मंदिर दिखाएंगे। गाइस ये है मंदिर और हम मंदिर में एंटर होने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है यहाँ पर। एक मैंने का फोटोग्राफ इनसाइड बाथ हाउस का, बाथ हाउस का मंदिर के अंदर है। तो गाइस ये है बहुत ही खूबसूरत मंदिर है यहाँ पर। गाइस यहाँ पर यहाँ अंदर का फ़ोटो लेना वाला है तो कैमरा बंद कर रहा हूँ मैं। तो गाइस ये है ऋषि वशिष्ठ जी की कुटिया और अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, अंदर कैमरा तो नहीं लेने जा रहे हैं पर मैं बाहर से ही बता रहा हूँ यहाँ से अंदर देखने को है। और ये आपको पीछे मंदिर देख रहे हैं, अंदर तो नहीं देखने दे रहे हैं पर अंदर ऋषि वशिष्ठ जी की कुटिया है। तो यहाँ पर खूबसूरत सा बरामदा बनाया हुआ मस्त और अभी तो रस्सा जोर होने वाला है थोड़ी देर में। बहुत मस्त मॉल बनाया हुआ है यहाँ पर, सारे के सारे
लेडीज हैं यहाँ पर, वशिष्ठ में आपका स्वागत है। बिरसु मेला वशिष्ठ में आपका स्वागत है। यहाँ पर बिरसु मेला लगा हुआ है और सारे पहुँच चुके हैं यार, हम भी पहुँच चुके हैं बिरसु मेला में। हम कहीं शिरकत करने के लिए अपना, तो अब थोड़ी देर में रास्ता जोर होने वाला है, आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ पर ये भैया बोल रहे कि जो जीतेगा उनको 5,000 रुपये इनाम है, तो यहाँ पर सबको बोल रहे कि आ जाओ टीम बनाकर आ जाओ। तो क्या लगता है, जाएं हम टीम बनाकर 5,000 रुपये इनाम लेकर जाएंगे यहाँ से? भाई वापस जाते जाते अच्छी खासी पार्टी हो जाएगी हमारी। ओ आगाज होने वाला है थोड़ी देर में। मैच टाई हो चुका है, हमारा रस्सा टूट गया है। अब और रस्सा ला रहे कि नहीं ला रहे हैं ये तो कोई आइडिया नहीं है। तो क्या बोलती है वशिष्ठ की जनता का, इस दूसरा रस्सा आ रहे हैं, दूसरा रस्सा आ रहे हैं, मस्त माजा पिया जा रहा है ना उधर देख आंटी का माजा पी रही है। ओ यहाँ पर माजा पिया जा रहा है एनर्जी ड्रिंक ताकि जोर लगा के हाइशा। तो जब तक रस्सा आता है तब तक हम यहाँ राम मंदिर आ गए हैं, राम मंदिर देखने, राम मंदिर के दर्शन करने हैं। तो दूसरा रास्ता जा चुका है, पहला वाला रास्ता तो टूट गया था। तो मौसम भी ख़राब हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, पर हम रस्सा दम लगा के हाइशा पूरा देख कर जाएंगे। देखते हैं कौन जीतता है। और ये देख सकते हैं आप, खूबसूरत सा मंदिर है। 3 बजे क्लोजिंग है यहाँ मंदिर की, और 3 बजे तक आप देख सकते हैं। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ तथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का यह ऐतिहासिक पावन स्थल भारतवर्ष में एकमात्र कुल्लू घाटी में प्रसिद्ध तीर्थ स्थान के रूप में विख्यात है। विपाशा नदी के तट पर स्थित ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ इसी स्थान पर आत्म श्री राम के 14 वर्ष वनवास के अंतर्गत रावण के मारे जाने से राम जी के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगाया गया था। अयोध्या वापस आकर श्री राम ने ब्रह्म हत्या की प्रायश्चित के लिए अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करना चाहा। कुल गुरु वशिष्ठ इसी समय स्थान पर तपस्या में संलग्न थे। अन्य ऋषियों के परामर्श से श्री राम ने लक्ष्मण जी को कुल गुरु वशिष्ठ जी की खोज का कार्य सौंपा। लक्ष्मण जी ने इस स्थान पर वशिष्ठ जी को ढूंढ लिया। सर्दी का मौसम था, लक्ष्मण जी ने गुरु जी के स्नान हेतु अपना अग्निबाण मारकर गर्म जल की धारा निकाली। तो गाइस जो यहाँ पे गर्म जल की धारा निकली हुई है वो लक्ष्मण जी ने अग्निबाण मारा था तो तब निकली हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लोग आप फिर से तैयार हो दोबारा? तो हमारे योद्धा यहाँ पर रेडी बैठे हैं माजा मोजा एनर्जी ड्रिंक पीकर फिर से एक बार दूसरे रस्सा कसी करने के लिए जोर लगा के हाइशा। गाइस देख सकते हैं मैच फिर से स्टार्ट हो चुका है दोबारा फिर से, तो देखते हैं कौन जीतता है। रेडी यस यस। ओह तो लग चुका है, बहुत ही मजा आने वाला है।
राउंड फिर से स्टार्ट होने वाला है। पहले राउंड में डिसाइड भी नहीं हो पाए, तो फिर से दूसरे राउंड के लिए एनर्जी ड्रिंक पीते हैं हमारे साथ ही यहाँ पर। क्या हुआ गाइस, रेडी होने वाला है और देख सकते हो जोर लग चुका है फिर से। कैप्टन आ रहे हैं, ओ अब आएगा मजा थोड़ी देर में, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो दम शम दिखाते हुए लगाएंगे आप भाई जी, दम शम दिखाएंगे। Yeah!
तो अब ये जो एक टांग के ऊपर दौड़ रहे हैं, इनको इनके पीछे से मुड़कर वो तो पीछे रह गए हैं। और इसी के साथ पहला स्थान प्रियंका ठाकुर और भारती ठाकुर ने प्राप्त किया है। ये पहले जो पूजा है ये सबकी पूजा करते ही, ये जो पहले पूजा है ये सबकी पूजा कर देगी। और ये देखिए ठाकुर जी को झटका लग गया है। मैंने पहले ही कहा था कि आप अपनी थोड़ी बना और ये भारती ने भी कमाल कर दिया।